हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पार्टी पे। दोस्तों, कोरोना काल की वजह से ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के डॉक्यूमेंट्स को बनवाने में काफ़ी लोगों को दिक्कत हो रही थी। बीते दिनों में कोरोना की वजह से काफ़ी आरटीओ ऑफिसेज बंद थे, जिसकी वजह से लोगों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के डॉक्यूमेंट्स को बनवाने और रिन्यू करवाने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। और लोगों की परेशानियों को देखते हुए सरकार ने भी वाहन के डॉक्यूमेंट को दिसंबर तक वैलिड कर दिया था। दोस्तों, अब धीरे धीरे आरटीओ ऑफिसेज भी खुलने लगे हैं, जिसकी वजह से लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के डॉक्यूमेंट को बनवाने में राहत मिल रही है। इसी कड़ी में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जनहित गारंटी अधिनियम के तहत एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस या परिवहन से जुड़े किसी भी काम के लिए अप्लाई करता है तो उस काम को आरटीओ डिपार्टमेंट को 7 दिन के भीतर ही पूरा करके देना होगा। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव एसपी गोयल जी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रीजनल ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बैठक की और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा स्टार्ट की गई ऑनलाइन सर्विसेज को भी चेक किया। इस बैठक में बताया गया कि उत्तर प्रदेश में कॉमर्शियल और नॉन कॉमर्शियल वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट अपलोड करने की फैसिलिटी भी लागू कर दी गई है, जिससे वाहन खरीदारों को आरटीओ ऑफिसेज के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि अब आप जैसे ही वाहन खरीदोगे तो आपको तुरंत गाड़ी नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये नई खबर आ रही है। उम्मीद है वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस या व्हीकल रिलेटेड कोई और जानकारी चाहते हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और आप अदर वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है। ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड मैंने 170 से ज़्यादा अपलोड कर रखी है, वहीं व्हीकल रिलेटेड 100 से ज़्यादा वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप उनको देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से तो अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करने के बाद सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे राइट साइड में घंटी का निशान आ जाएगा, उसको दबा दीजिएगा और ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। फायदा इसका यह होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।